ये मेरी बिंदी तो रुकती नहीं, मैं हूँ तेरा। अभी मैं गई थी वॉशरूम जो मेरे रूम से बहुत दूर है, आई थिंक 100 मीटर दूर। मतलब वो घर में ही है लेकिन मेरा घड़ी एक्चुअली इतना बड़ा है, तो बिंदी चल के गई और ऊपर से ना डायरेक्टली ये मेरी बिंदी तो रुकती नहीं। मैं तीन तीन चार चार लगाती बट इतना पसीना ही आता है तो बस गिर जाती है, फिर जब कहूँगी फिर हट जाएगी। तो मैं वहीं से वापस आ गई, इतना पसीना पूरे फेस पे आ गया देखो। बेबी सो रही थी वो भी उठ गई क्योंकि मैं चली गई इतने ऐसे, तो मैं थी नहीं। पानी भी प्यास लगी, पूरा चूस गए। माँ ही अपनी बुक लाई है और बोली चाची मुझे पढ़ा दो, मुझे याद करा दो। तो मैंने कहा अच्छा चलो याद करा देती, क्योंकि मैंने नोटिस किया मैं जब भी जाती हूँ ना वो मेरे पास अपनी बुक्स लेके आ जाती है और बोलती मुझे याद कराओ मुझे याद कराओ। तो वही मैं उसको पढ़ा रही हूँ, समझा समझा के, जैसे मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी होता है ना, तो वही मैं समझा रही हूँ कैसे कैसे लर्न करना। तो उसको सच में ईजिली लर्न भी हुआ जा रहा था। वो थोड़ी देर बाद फिर आई थी मेरे पास कि और याद करा दो, मैंने कहा अभी रुको मैं थोड़ा काम करूँ ना बाद में याद करा दूँ, तब तक तुम ना जो मैंने बोला है मतलब ऑलरेडी बता दिया वही तुम रिवाइज कर। तो वो वही बैठी है। माही आगे तो माही बनवाएंगे, मेरे भी बना काटते हुए इसलिए तो काट नहीं रहे, अभी जब आएगी तब काटेंगे। काटो तो तुम तो सजने से पहले काटो। ये वाला निकाल के दो तो एकदम पीसेस कर दें। बिट्टू की बोतल अंदर रखी। मुझे कटहल काटने की आदत नहीं, क्योंकि जैसे हम लोग डेली में जब लाते ना मार्केट से तो ऑलरेडी सब उसका छिलका वगैरह हटाया हुआ होता, बस पीसेस में होता, तो जस्ट बॉयल करते सिंपल बना लेते। बट यहाँ पे जैसे पूरा बड़ा सा कटहल आता है ना तो मैं काट नहीं पा रही थी, तो मैं अपनी जेठानी से कह रही छोटे छोटे पीसेस कर दो, मैं वीडियो में एक्टिंग करूँगी कि मैं कटहल काट रही हूँ। तो वही हम लोग बहुत हंस रहे थे, कह रही हाँ हाँ तुम दिखा दो कि हाँ तुम्ही ने सबका हटा हुआ है। तो वही हम लोग बहुत हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। वो फोटो लगी है ना तो बेबी दिन भर बताती रहती दादी है दादी है दादी है। मम्मा अच्छे से जाते बेटू, गिर जाओगे गोलू। जब भी बेबी आती है तो ये वाली मेरी भतीजी से ज़्यादा बातें करती है और किसी के साथ खेलती ही नहीं है। तो इसी के साथ आई उठी उठी और गोदी चली गई थी, बाकी तो किसी से वो बात भी नहीं करती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बच्चों को खिला लेती है तो हमारे भी से अटैच हो गई है। मेरा बेबी ना जान जाता है दादी है दादी, तुम वहाँ खड़ी हो ना वहाँ से वो उतरती है इसीलिए कह रही जाओ। हाँ हाँ पानी पी लिया बाय। चलिए देखो दीदी बैठी है, चलो पापा दीदी के पास चलो, दीदी को हम लोग डरा देंगे। बाबू अरे कहाँ हाइड हो गया है, इधर से आएगी भी। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई ओली मैला में तो कहाँ है बेटू, यहाँ आ जाओ। दीदी ने पेन से लिखा है। हाँ। ये यहाँ आंगन में खेल रही, पेड़ वगैरह लगे हैं ना। बेटू मेरा तालन तोड़ने जा रहा, बेबी तालन तोड़ता है मेरा बेटू। हाँ। वाह तोड़ दिया हो बेटू। यहाँ पे हीटर पे कटहल बॉयल होने के लिए रखा गया था लेकिन लाइट चली गई है। हेलो करो दीदी से, कैसे करते हैं? हेलो हाय बाय कर लो, बाय बाय। देखो वेदर कितना ज़्यादा प्यारा सा लग रहा है, बिल्कुल बादल ना स्काई ब्लू कलर के दिख रहे जैसे हम लोग पेंटिंग वगैरह में कलर करते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप बना लिया है। मेरी बेबी तो बस अपने पापा के साथ ही खेलती रहती है, तो पापा भी बोर हो जाते हैं कहाँ तक उसके साथ खेले, तो उनको याद है अच्छा पास वाले घर में एक बकरी रहती है, मतलब बकरियाँ रहती हैं, तो उसको अमारा को वहाँ पर लेके गए और अमारा इतना ज़्यादा हैप्पी थी, खूब सारे करी गोट खाका खा लो गोट खाका खा लो गोट खाना खा लो, और देखो प्यार से कितना खिला रही थी और ना गोट को टच भी कर रही थी, क्योंकि मैं तो वहाँ गई नहीं थी, वो जैसे मेरे हस्बैंड लेके गए थे अमारा को, तो कोई दूसरा बच्चा आया था वो मोबाइल मेरा लेके चला गया, तो इन लोगों ने वीडियो बना लिया। जब ये घर में आए
तो मैंने एक क्लिप देखा, मुझे अच्छा तो लगा, ठीक है बेबी हैप्पी है, बट मुझे बहुत गुस्सा भी आई अपने हस्बैंड के ऊपर। मैंने कहा यार क्या पता है बकरी उकरी कौन से मार दे, बाबू गिर जाए, चोट लग जाए, जैसे होता ना बहुत सारे डेंजरस वाले, तो मैं उनके ऊपर गुस्सा करी थी, ऐसे मत किया करो, हमें नहीं पता, हम लोग फर्स्ट टाइम आए, कहीं बेबी को कुछ मार वार दे, चोट लग जाए, सारा हंसी का खेल कर निकल जाए अभी चोट वोट। और मैं यहाँ पे घर में इधर दाल भीन रही थी, तो मैंने अपनी भी क्लिप बीच में ऐड कर दिया है। तो हमारा देखो कैसे प्यार से गोट को टच कर रही है, दूसरी गोट को खाना खिला रही, टच कर रही, मतलब लेकिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि यार ये कैसे ऐसे छोड़ सकते गोट के साथ, कहीं मार वार दे, डर तो लगा रहता है, ये थोड़ी सी खुशी के लिए फालतू में इसको चोट लग जाती है। मेरे बगल में एक लोग रहती तो वो अपने बच्चे को लेके आई थी, तो वही मैं बेबी से कह रही हूँ, छोटा बेबी है ना अभी 4 मंथ का, तो मैं उससे कह रही हूँ हेलो करो हेलो करो, वो तो अभी नहीं कर पाएगा, मुझे पता है अभी छोटा है, बहुत छोटा है। तो मैं वही बातें बातें कर रही हूँ ना, दाल भीन रही, तो और सारे हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी देख रहा है मुझे कि क्या बकवास करती रहती। बेटा क्लाउड देखो, क्लाउड ऊपर देखो, क्लाउड। बेचारे पापा जी तो पूरा परेशान होंगे, कह रहे यार तुम लोगों को यहाँ ले आते ना मेरा कोई काम नहीं हो पाता, बस दिन भर बच्चा संभालो, जब तुम बच्चा संभालो तो मैं अपना काम करूँ, मैं बच्चा संभालो तुम अपना काम करो, बस यही होता रहता है, पागल हो गए पागल हो गए, तुम लोगों को कभी नहीं लाएंगे, हर बार ऐसा बोल बोल के फिर अगली बार लेके चले जाते हैं हम लोगों को। फिर अभी ना तब तक कटहल बॉयल हो गया था, तो मेरी जेठानी यहाँ पे छौंकने लगी कटहल को, क्योंकि बॉयल होने के बाद थोड़ा सा एक्चुअली ये सूखी सब्ज़ी बनाना ना, तो उधर उस कटहल छौंक रही थी, फिर बोला अच्छा ठीक है तुम इसको फ्राई कर लो, मैं दाल वगैरह भी चढ़ा दूँ, क्योंकि अभी हीटर ऑन है, नहीं तो फिर लाइट चली जाएगी, तो फिर गैस पे बनाना पड़ेगा, अभी हीटर पे बन जाएगा, तो मेरे को दे दिया कटहल बनाने के लिए। क्योंकि जैसे हम लोग मैं जैसे वहाँ दिल्ली में बनाती तो अलग तरीके से बनाती, इसमें बेसन ऐड करके भून के डालती हूँ ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं बनता, तो मुझे पूरी रेसिपी नहीं पता ना यहाँ के लोगों को कैसा पसंद है, तो मैं उनसे पूछ पूछ के बना रही थी। एंड उसके बाद सब्ज़ी बन गई, दाल बन गया, चावल बन गया, हम लोग बीच में रोटियाँ बना रहे थे, तो बस मैं बेल बेल के रख रही हूँ, वो सेक रही हैं, ऐसे हम लोग काम मिलजुल के करते रहते हैं सारा। एंड उसके बाद सारा काम हो गया, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बन गया है, रूम में आए थे तो मेरी भतीजी आ गई, कह रही चाची चलो डांस करते, चलो डांस के, मैंने कहा चलो चलो आओ, तो वे हम लोग पता नहीं कौन से बातें करे थे, एक दूसरे को मार रहे थे खूब सारा, और खूब सारा हंस रहे थे, खूब सारा हंस रहे थे। एंड बेबी अपना बिजी थी, क्योंकि जब वो रूम में आती ना यहाँ कोई होता नहीं, तो वो बहुत हैप्पी रहती, बाकी अगर कोई आ जाता तो वो फिर से रोने लगती है। एंड उसके बाद फिर दूसरी भतीजी भी आ गई थी, मैं उससे कुछ पूछ रही थी यार इंस्टाग्राम पे रील्स कैसे बनाते, तो वो मुझे बनाना सिखा रही, क्योंकि मैं अच्छे से बना नहीं पाती हूँ। और बेबी को बिजी रखने के लिए मैंने उसको बहुत सारे बैंगल्स दे दिया, और बोला बेबी चलो वन वन करके काउंटिंग करो, बैंगल्स पहनो और ऐसे ऐसे ट्रेन बनाओ, ये सब मतलब उसको बिजी रख दिया ना, ताकि वो खेलती रहे और रोए ना, नहीं तो रो रो के पागल हो जाती खुद भी और मुझे भी पागल कर देती। हाँ सॉरी नहीं तोड़ते हैं। ओके दीदू लोग खाना खा रही हैं, बेटो आप भी करो, हाय हाय हाय, बेटो यहाँ पढ़ाई कर रहा है, बैंगल्स खेल रहा है मेरे बेटू, दीदी खाना खिला रही, पूर्वी सबको खिलाएगी, सब बच्चों को बना देती, आगे आके खाओ, थोड़ा थोड़ा खिलाना क्योंकि ज़्यादा निकल नहीं पाती ना। हाँ अब रूही खाएगी, तो मुँह में जल्दी रोटी डाल लिया करो ना अपने। फिर और क्या चाहिए, तू ही है तू ही है तू ही है मेरी हीरी, तू ही है तू मेरी, मैं हूँ तेरा राजा, बदले तेरे नहीं है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। गुड नाइट, बाय बाय, मैडम तो नींद करना चाहता है, बाय। मेरा प्यारा बच्चा सो गया, चलो मैं भी सो जाती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।